फ्रेंड्स एंड वेलकम टू खबर बॉलीवुड। बॉलीवुड में कई ऐसे नेगेटिव करेक्टर निभाकर भी दर्शकों का प्यार लूटने वाले अभिनेता कम ही होते हैं। विनोद खन्ना ऐसे ही कलाकारों में शामिल थे जिन्होंने कई नेगेटिव करेक्टर निभाने के बावजूद अपनी खूबसूरती और अदाकारी से कई पीढ़ियों को दीवाना बनाया। अपने करियर में एक से बढ़कर एक रोल निभाने वाले इस शानदार एक्टर का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। 27 अप्रैल को इस दिग्गज कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 2017 में उनका निधन कैंसर के चलते हुआ था। विनोद खन्ना एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे। राजनेता से अभिनेता तक का उनका सफर काफी शानदार रहा है। विनोद ने गुरदासपुर से सांसद के रूप में कार्य किया। उनका जन्म पंजाबी हिंदू परिवार में कमला और कृष्ण चंद खन्ना के घर पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। उनके जन्म के कुछ समय बाद भारत का विभाजन हो गया और उनका परिवार पेशावर छोड़कर मुंबई आ गया। विनोद खन्ना ने सेंट मेरी स्कूल मुंबई में दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की और फिर दिल्ली में रहने लगे। 1957 में उनका परिवार दिल्ली चला गया जहां उन्होंने दिल्ली पब्लिक मथुरा रोड में पढ़ाई की। हालांकि 1960 में उनका परिवार वापस मुंबई आ गया लेकिन विनोद को नासिक के पास के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने महाकाव्य 16 साल और मुगले आजम फिल्म देखी और उनका मोशन पिक्चर्स के साथ लगाव हो गया। बता दें कि विनोद खन्ना ने मुंबई के सिटीनेम कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री भी प्राप्त की थी। उन्हें क्रिकेट भी काफी पसंद था। विनोद खन्ना ने ये 1968 में मन का मीत से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था और खलनायक के रूप में नजर आए। इस फिल्म के बाद वो आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, मेरा गाँव मेरा देश, सच्चा झूठा और मस्ताना जैसी कई फिल्मों में नेगेटिव रोल में दिखाई दिए। इसके बाद ईयर 1971 में हम तुम और वो में विनोद खन्ना बतौर मुख्य अभिनेता नजर आए। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाया और कई सुपरहिट फिल्में दी। विनोद खन्ना ने ईयर 1982 में अपने फिल्मी करियर के चरम पर इंडस्ट्री को छोड़ अध्यात्म की राह को चुना था। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश का अनुसरण करने के लिए अस्थायी रूप से फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। करीब 5 सालों तक उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर रखा। इसके बाद उन्होंने ईयर 1987 में वापसी की। वापसी के बाद उन्होंने जुर्म और चांदनी में रोमांटिक भूमिकाएं निभाई लेकिन उन्हें ज्यादातर एक्शन फिल्मों में ही भूमिकाएं ऑफर की गई। विनोद खन्ना ने अपने करियर के पीक पर गीतांजलि से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात थिएटर के दौरान हुई थी। दोनों के दो बच्चे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना हुए। वहीं साल 1990 में गीतांजलि से उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने कविता से दूसरी शादी की। कविता से उनकी एक बेटी और एक बेटा हुआ। 1999 में विनोद खन्ना को फिल्मों में उनके 30 वर्ष से भी ज्यादा समय के योगदान के लिए फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद 2018 में उन्हें मरणोपरांत भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग का डंका बजाने वाले विनोद खन्ना का निधन ब्लड कैंसर की वजह से हुआ था। उन्होंने काफी समय तक अपनी बीमारी को परिवार से छुपा कर रखा। उन्हें 6 साल पहले ही ब्लड कैंसर होने का पता चल गया था लेकिन वो इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। रिपोर्ट्स की माने तो 6 साल तक जर्मनी में उनका इलाज चला और सर्जरी भी हुई लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 27 अप्रैल 2017 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए और ऐसी स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए खबर बॉलीवुड के साथ। थैंक यू।